तो प्राग थक गए थे। काश वो भी यहाँ मौजूद होती। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरी और मेरे बच्चे की नहायत मुश्किल वक्त में सपोर्ट की। अगरचे मैंने आप लोगों से बहुत रूड बिहेव किया, फिर भी आप लोगों ने मुझे कबूल किया, इसीलिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगर आप लोग कल फारिग हों तो मैं आप लोगों की मुंतजर हूँ। रेहान और तोपराक और उसकी अम्मी। कुछ करने वाली हो? मैं मिलाद कराना चाहती हूँ। मिलाद? तुम वाकई करना चाहती हो? ये बच्चे को शावर देना चाहती है। नहीं माम, मिलाद है। मैं खुदा की शुक्र गुजार हूँ कि उसने हमें औलाद से नवाजा। मैं उसकी इबादत करना चाहती हूँ। उसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। इसकी दादी होने के नाते आप हमारी मदद करेंगी ना? वैसे मैंने कुछ रिसर्च तो की है इस बारे में, लेकिन मुझे उसकी तैयारियों में आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। आप मेरी मदद करेंगी ना? अगर तुम ये नेक काम करना ही चाह रही हो तो यानी जो कुछ मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँगी, मगर तुम्हें भी ये बहुत ढंग से करना चाहिए। तुम समझ सकती हो कि ये एक बहुत बड़ा काम है। बहुत शुक्रिया आपका मिस इकबाल। इसके दादा से एक दरख्वास्त है मेरी। हाँ, कहो। आप हमारी फैमिली में सबसे बड़े हैं और मेरे बेटे के दादा हैं, और ये अगर आप इसका नाम रखें। हाँ, ये इजाज़ की बात तो होगी। मिलाद एक बहुत अच्छा आइडिया है। सबको हैरान कर दिया तुमने। चलो बस यहां से बाहर निकलते हैं। मेरे बेटे के लिए इतना ही काफी था। चिनार, मुझे तो अपराग को फोन करने की जरूरत तो नहीं है। तुम उसे बता दोगे ना? उसे वैसे आना चाहिए था, वो भी फैमिली का हिस्सा है। आ जाइए अम्मी। अरे देखे जरा इसको। यास्मीन, तुम चिनार के साथ जाओ, हम लोग तुम्हारे पीछे आते हैं, ठीक है? इसकी जरूरत नहीं है माम, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और शर्मीन मेरा वेट कर रही है। यास्मीन, घर पर तुम्हारा पहला दिन है, मैं तुम्हें अकेली छोड़ने वाली नहीं हूँ। कोई बात नहीं माम, चिनार और तोपराग भी मेरे घर के पास ही रहते हैं, और अगर कुछ हुआ तो मिस इकबाल आ जाएंगी। क्यों नहीं? थैंक यू। अब प्लीज आप लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर तवज्जो दीजिए और मुझे और मेरे बच्चे को एक दूसरे को जानने का मौका दीजिए, ठीक है ना? ठीक है, अगर कोई बात होती है तो हमें कॉल कर सकती हो। थैंक यू मिस्टर रजीब, कल मुलाकात होती है आप लोगों से। मैं बाय आऊंगी, ठीक है? वाओ, कितना सुकून में लग रहा है ना? जरा गौर से देखो चिनार, इसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। इतनी खूबसूरती सिर्फ अम्मी से ही मिली होगी। तुम्हें पता है इसकी सेहत से बढ़कर कुछ अहम नहीं है मेरे लिए। पता है, इस बच्चे ने सबकी जिंदगी बदल दी है। इससे पहले जो कुछ भी था अचानक सब नया हो गया है। ये पेरेंट्स वाली फीलिंग है चिनार। मैं सबके सामने ये बात नहीं कहना चाहता था, पर तुम्हें माइंड नहीं करना चाहिए अगर तोपराग नहीं आई। सारी मुश्किलात में वो तुम्हारे साथ इतनी अच्छी तरह पेश आई, तुम्हें वो नहीं नजर आता? मैं उसके हवाले से पॉजिटिव थी चिनार। तोपराग भी हमारे बच्चे के लिए उस कदर ही दुखी थी जिस कदर हम दुखी थे। उसे हमारे बच्चे का ख्याल है। मैं उसके इस प्यार की कदर करती हूँ। जो भी हो, हमारे बच्चे के आने के बाद सब बदल गया। इसको पसीना आ रहा है, प्लीज आप हीटर ऑफ कर सकते हैं? ओके मिस यास्मीन।
बेटा मैं अंदर से अपने लिए चाय ले आऊं, फिर साथ पियेंगे। ठीक है, पीते हैं। आ गए, इधर आओ मेरे बच्चे, इधर आओ। क्या आप फूल ले सकते हैं? जी, मेरा शेर है ये। वेलकम होम मेरी जान। लाइए, आप मुझे दे दें। थैंक यू। तुम चाबियां मेरे पास रखवाओ और जाओ। यस सर। शुक्रिया। तुम रुको, मैं बेल बजाती हूँ। जैसा तुम चाहो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया शर्मीन, ये ले लो प्लीज। जरूर। खुश आमदीद चिनार सर। थैंक यू शर्मीन। चिनार, ये तुमने क्या कर दिया, अमेजिंग। आई एम हैप्पी तुम्हें पसंद आया। मैं जरा तारुफ करवा दूं। फियोना, जमरुद मैडम ने हर कहीं लोगों को इंटरव्यू किया और तुम्हारे लिए बेहतरीन उम्मीदवार चुना। फियोना। हाय, वेलकम टू होम, आई एम फियोना, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू फियोना। थैंक यू। थैंक यू। यास्मीन मैडम, ये आप लोगों ने क्या बात की, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। फिक्र मत करो शर्मीन, आदत हो जाएगी। वैसे भी कोई ज्यादा इंग्लिश में बात नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे के 4 साल होने तक उसे मादरी जुबान सुनने की जरूरत होती है, लिहाजा हमें मोहतात रहना है। अच्छा, तो रिसर्च की है तुमने? ऑफ कोर्स मैंने की। ओ मेरा नन्ना सा बेटा, ओ कितना प्यारा है ना ये। इधर आ शर्मीन, तुमने मेरे बेटे को देखा, किस कदर क्यूट है ना ये। अल्लाह इसे नजरबद से महफूज रखे, सच में बहुत प्यारा बच्चा है। बेबी को कुछ देर यहाँ छोड़ो और आओ, मैं तुम्हें दूसरा रूम दिखाता हूँ। प्लीज ध्यान रखना। जी बिल्कुल। ओ मेरी माँ ने तो बिल्कुल अपने स्टाइल में सेट किया है मेरा घर, बहुत जबरदस्त है। हाँ, इट्स ब्यूटीफुल। वाओ, बहुत खूबसूरत गार्डन है, ये सब बहुत शानदार है। और पूल से सनसेट भी नजर आएगा, इट्स ब्यूटीफुल। आओ मैं तुम्हें नर्सिंग रूम दिखाता हूँ। यास्मीन मैडम, क्या हुआ? लगता है इसे भूख लगी है। नर्सिंग रूम कहाँ है? हाँ मम्मी। मेरे बच्चे, भूख लगी है मेरे बच्चे को? हाँ, इंजॉय करो आप लोग। चिनार सर, आप कॉफी पीना पसंद करेंगे? हाँ क्यों नहीं, जरूर पीऊंगा मैं कॉफी, बनाओ। ठीक है। क्या तुम्हारे लिए और चाय डालूं? नहीं शुक्रिया अम्मी। ओहो, मुझे यकीन था कि तुम लोग यहीं मिलोगे, मौसम बहुत अच्छा है ना। खुशामदीद इकबाल मैडम, खुशामदीद। शुक्रिया शरफ खानम। खुशामदीद अम्मी जान। जीती रहो, खुश रहो मेरी बेटी। बेबी कैसा है? क्या बताऊं मैं तुम्हें, वो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। अब मैं तुम्हें बता सकती हूँ, वो बिल्कुल चिनार की तरह दिखता है। चिनार भी बिल्कुल ऐसा ही था। शुक्र है अल्लाह ने उसे अपने वालदेन के लिए बचा लिया। आप ठीक कहती हैं शरफ खानम, अल्लाह ने करम किया। यास्मीन कैसी है? क्या बताऊँ मैं, वो तो कुछ अजीब सी हो गई है। मुझे लगा बच्चे की पैदाइश की वजह से ऐसा है, मगर जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वो तो और संजीदा होती जा रही है। कोई देखे तो माने ना कि ये वही यास्मीन है। ये मेरे लिए मैंने है? देखा आप आ रही हैं तो गरम गरम कॉफी लेकर आ गई। शुक्रिया मरवत, आज तुम लोग उसे देखते तो पहचानते ना, इतने मीठे अंदाज में सबसे बातें कर रही थी। अगर मैं उसे अच्छी तरह जानती ना होती तो कहती कि उसे मुश्किलों ने बदल के रख दिया है, मगर ये हो नहीं सकता। हो सकता है अम्मी वो वाकई बदल गई हो, यानी उसने वैसे भी बहुत कुछ झेला है।
अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बच्चे की पैदाइश के 40 दिन के बाद मीलाद करवाना चाहती है और मिस्टर नजीब से कह रही है कि वो नाम रखें बच्चे का। उसकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारी सारी रिवायात से खूब वाकिफ है। क्या आप सीरियस हैं इकबाल मैडम? देख लो, किसी को भी यकीन नहीं आएगा। अरे आज तुम लोग उसके हाल देखते, ऐसा लग रहा था जैसे उसने सारा दिन कुरान थामे रखा हो और सारा दिन इबादत करती रही हो। तौबा इस्तग़फ़िरुल्लाह, तौबा तौबा। वो तो चाहती है कि सारे खानदान वाले मिलकर इकट्ठे हों। अरे तुम्हें यकीन नहीं आएगा, उसने तो तुम्हें भी बुलाया और शरफ खानम को भी। मगर उसने जिस कदर इसरार किया वो बहुत दिलचस्प था, मैं क्या बताऊं तुम्हें। वाकई मेरा भी कहा है। चुनार आएगा ना, वो तुम्हें बताएगा सब कुछ। भाई लोग तो यही कहते हैं कि पुरानी आदतें मरते वक्त तक नहीं छूटती हैं। मुझे यकीन है कि उसकी इस तरह बदल जाने की भी कोई खास वजह जरूर होगी। अम्मी इस तरह मत सोचें, हो सकता है वो सचमुच बदल गई हो, यानी माँ बनने के बाद हम सब बदल जाते हैं। ये सच है बेटा, मगर उसे तो हम सब जानते ही है ना। तुम समझती हो कि वो इस कदर बदल सकती है? कितने सुकून से सो रहा है। मुझे कमरे का फर्नीचर बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत है ये। हाँ अच्छा है ना। वैसे फर्नीचर तो बहुत था वहाँ, लेकिन हमने ओनली द बेस्ट ऑफ इटालियन का इंतखाब किया। मैं अपने बेटे की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम्हें पता है माँ बनना तुम पे सूट करता है, तुम और भी खूबसूरत हो गई। चलो आओ कुछ खा लेते हैं। हम लोग सही जा रहे हैं मैडम जमरूद, साफ जाहिर है कि आप अपना और ब्लड प्रेशर का ख्याल रख रही हैं। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं। मिस्टर नजीब ने बहुत मदद की, खुदा उन पर मेहरबान हो। ये तो आपकी मेहरबानी है। अगले चेकअप तक मुझे आपसे मिलने की जरूरत नहीं नजर आ रही और मैं उन वार्निंग्स को दोहरा भी नहीं रहा हूं। अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट के हवाले से बात कर सकते हैं क्यों मिस्टर उस्मान? इम्प्लांट? हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मिस अमरुद।
क्या आप अपने दाएं बाजू के बगैर रह सकते हैं? उम्मीद है कि आप मुझे समझ रहे हैं। तुम्हें कोई शानदार चीज खानी चाहिए, ये काफी होगा तुम्हारे लिए। काफी नहीं है, वैसे भी दूध पिलाने के बाद भूख का एहसास काफी ज्यादा होता है। अच्छा बाबा, जैसा तुम चाहो, मुझे फोन कर लेना। हाँ, फोन ऑन है मेरा। ठीक है, तुम ये बात मुझे पहले भी हजार मर्तबा कह चुके हो। और मेरी तरफ से हमारे बेटे के लिए किसी करूंगी। अपना ख्याल रखना और गुड लक। तुम्हें भी गुड लक भाई, और बच्चा जब सो रहा हो तुम भी आराम कर लेना। ठीक है ठीक है, फिक्र मत करो। क्या हुआ, तुम कुछ भूल रहे हो क्या? यास्मीन, क्या तुम अकेली रह पाओगे? तुम फिक्र मत करो चनार, मैं दवाओं के अलावा अस्पताल में भी अपने बच्चे की पूरी देखभाल करती थी। मैं अब भी कर लूंगी। ठीक है, पर इफ यू नीड एनीथिंग मुझे कॉल करना। ऑल राइट, कंपनी पहुंच के मैं भी फोन करूंगा। सी यू। लड़कियों, मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। ख्याल रखना। थैंक यू। थैंक यू यास्मीन मैडम। खुश आमदीद। तुम यास्मीन के पास से आ रहे हो? हाँ, यास्मीन और बेबी। तो प्राग, तुम्हें पता है मैंने अपने बेटे के साथ इतना खेला, और अगर कंपनी में जरूरी काम नहीं होता तो मैं कभी भी छोड़ के नहीं आता उसे। अच्छा ये बताओ, यास्मीन और बेबी ठीक हैं? ठीक है, पर मैं थोड़ा बेसुकून हूँ। पहले दिन ही बेबी को यास्मीन के पास अकेला छोड़ा हुआ है। क्यों, वहाँ पे आया नहीं है? शर्वीन कहाँ है? वो तो घर पे ही है, लेकिन हॉस्पिटल में नर्सेज और डॉक्टर्स होते हैं, उसे अभी हॉस्पिटल में रहना चाहिए था। इस तरह मत सोचो, अगर कुछ हुआ तो यास्मीन कॉल करेगी। मैंने भी उसे यही बोला है कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो बगैर सोचे मुझे वो कॉल करे। देखो, क्या उसे घर पसंद आया? हाँ बिल्कुल, बहुत पसंद आया उसे। खुश है उधर यास्मीन। इंशाल्लाह वो वहाँ सुकून से रहे। आमीन। क्या उनको कुछ वहाँ सामान चाहिए? अरे नहीं बाबा, सब कुछ है उधर। बेबी कुछ देर सो रहा था तो यास्मीन भी आराम करने लगी थी। अब तो तुम उनके पास ज्यादा जाओगे चिनार। काम से फारिग होके तुम्हें लाजमी जाऊंगा ना। तो कल क्या वहाँ मिलाद है, ऐसा है? हाँ, यास्मीन ऐसा ही चाहती है। ओहो, बहुत लेट हो रहा हूँ, कंपनी में वेट कर रहे हैं। बाद में मिलते हैं डार्लिंग। मेरा सलाम कहना। क्या आप अंदर नहीं आ रहे? आपको अपनी बेटी के साथ तनहा होना चाहिए। मैं अपने बड़े पोता पोतियों के साथ बहुत अरसे से नहीं मिला। आपकी मर्जी है। सी यू मिस्टर अनजी।
थैंक यू वेरी मच शर्मीन। और कुछ चाहिए क्या आपको मैडम? नहीं, तुम जा सकती हो। मैंने मिलाद के लिए स्वीट्स ले ली है मॉम। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे को किसी की नजर लगे, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ सब अच्छा रहे मॉम, उसकी जिंदगी अच्छी गुजरे। मिलाद के हवाले से क्या तुम वाकई सीरियस हो? हाँ, आप क्यों पूछ रही हैं? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? ये हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। जब से तुमने बच्चे को जन्म दिया है, हमारी कम्युनिटी तजस्सुस में है। सहाफी हजरात तस्वीर लेना चाहते हैं उसकी। बेशक हम एक वेलकम पार्टी करने जा रहे हैं, मगर ये मिलाद नहीं होगी, समझ आई? मॉम, मैं अपने बेटे के लिए अच्छा चाहती हूँ, और वैसे भी मिलाद एक मुबारक अमल है। आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा मॉम। ठीक है डियर, मगर तोपरा के लिए क्या सोचा है तुमने? हाँ, प्लीज ऐसा मत करो। वो भी कल तक तुम्हारी दुश्मन थी, तुम उसका गला घोटना चाहती थी, अब ये मोहब्बत कहाँ से आ गई है तुम्हें? मॉम, तोपरा मेरे बेटे के बाप की बीवी है। मैं ऐसा चाहूं या ना चाहूं, चाहे सबसे इनकार भी कर दूं मैं, मगर आप देखें, दर हकीकत सच्चाई तो यही है। वैसे भी मैं झगड़े से तंग आ चुकी हूं, मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहती हूं मॉम, यही मेरा एम है। तुम ठीक तो हो ना? लगता है मेरा बच्चा जाग गया, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। यास्मीन, उन लोगों ने इस बार भी गैर मुल्की आया रख लिया है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की तो कोई आया इन्हें कभी मिलेगी ही नहीं। याद है फिरोजा की दफा भी यही हुआ था? जो औरत हमारे तरीकों, जबान, हमारी तहजीब से वाकिफ ना हो, वो कैसे चलेगी यहाँ? मैं बता रही हूँ, फिर वही होगा, देख लीजिएगा आप लोग। या इलाही, इस बात का इन्हिसार इस बात पर है कि वो बच्चे की देखभाल कैसे करती है। अगर वो इस काबिल नहीं हुई तो एक ही हल है, जुमुरत को उसे रखना पड़ेगा। आखिर वो उसका बहुत ज्यादा जिम्मेदार दिखा रही है, खुद तो वो बच्चे की देखभाल करना जानती नहीं है। आया की पहचान कैसे करेगी? वो बेबी को आया के पास नहीं छोड़ेगी, वो खुद बहुत पजेसिव है बच्चे के बारे में। इसी बात पर तो मुझे हैरत है, बच्चे की पैदाइश के साथ ही लगता है जैसे उसने भी जन्म लिया है। वो लड़की जिसे शॉपिंग और ब्यूटी पार्लर से फुर्सत नहीं मिलती थी, 40 दिन मुसलसल अस्पताल में रही। सच कहूँ तो मुझे मीलाद का भी यकीन नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो मीलाद के बारे में भी बहुत जानती है। इसीलिए शायद लोगों को जज नहीं करना चाहिए। क्या वो फैमिली के लोगों को बुला रही है या बाहर से भी लोग आएंगे? अरे बेटा, उसके तो दोस्त अहबाब ही उसकी फैमिली हैं, जो किसी अखलाकियात के बगैर सब कुछ खुलेआम करते हैं। मुझे यकीन है यही सब कुछ उस मिलाद में भी होगा, उसे तो बस शो ऑफ करना है। जाएंगे ना हम लोग वहाँ पर, सब कुछ वही मालूम हो जाएगा। आप गलत सोच रहे हैं अम्मी, यास्मीन ने बहुत झेला है, एक मिनट के लिए भी उसने बेबी का साथ नहीं छोड़ा। सिर्फ एक दिखावे की पार्टी करने के लिए यकीन माने उसमें ताकत ही नहीं है। अरे छोड़ो, बस रहने दो, मुझे सब मालूम है। अगर वो कर सकती तो किसी मिलाद ऑर्गेनाइजर से ही सब कुछ करवाती, और ये जाहिर करती कि वो ही सब कुछ कर रही है। हमेशा उसने यही तो किया है। मैं ठीक कह रही हूँ ना मिस्टर नजीब? आप समझती हैं मैं ऐसी बेहोदगी होने देता? मैंने अपने हिसाब से काम किया है, सब कुछ हमारी रिवायत के मुताबिक होगा, आप मेरी बात समझ सकती हैं। देखेंगे इंशाल्लाह। मैं समझ रही हूँ यास्मीन इसलिए कर रही है ताकि हम सब एक जगह जमा हों। आपने अभी तक अपना खाना क्यों नहीं खत्म किया मैडम? खाओ इसे। ये तो बहुत जबरदस्त है, आपका शुक्रिया बाबा। गुड, एंजॉय करो। मुझे एक तस्वीर लेने दे।
मॉम, बाबा लाए हैं ये, मुझे एक अपनी तस्वीर लेने दे। तुम कहाँ थी? हम लोगों को भूख लगी है, आओ चलते हैं। तुम खा सकते हो, मैं बाहर जाऊंगी। इस वक्त? हाँ। कहाँ? दोस्तों से मिलने जा रही हूँ, गर्ल्स नाइट के लिए। ये कौन लोग हैं? मेहमत, तुम मुझ पे शक कर रहे हो। तुम समझ रहे हो मैं यूसुफ हूँ? वो लोग मेरी यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। मॉम को जाने दें, मैं आपके साथ हूँ ना बाबा। हाँ कम ऑन, आओ चलते हैं। तुमने जो तस्वीर बनाई है वो मुझे दिखाओ। आप यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई मिस्टर नजीब। मैं आपको और अपने पोते को बहुत मिस कर रहा था। मगर आज आप बहुत खामोश खामोश लग रहे हैं, जरूर कोई बात है। हाँ, मेरी बहस हुई है समृत मैडम से काफी देर तक। क्या हुआ? हम अपनी जिंदगी के हवाले से मुख्तलिफ सोच रखते हैं। मैं उसकी सेहत के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ, उसे किसी गुनाह की वजह से मैं नहीं छोड़ रहा, मगर वो है कि खुद नुमाई में मुब्तला है। आप भी कमाल की बातें करते हैं मिस्टर नजीब। समृद्ध मैडम तो हमेशा से ऐसी ही थी। मैंने काफी दिनों से आपकी कॉफी नहीं पी, मिस कर रहा था, बरसों की आदत है। आप तो जानती हैं मुझे क्या पसंद है, और आपने तो जो भी बनाया मैंने हमेशा पसंद किया। चाय भी बनाई है मैंने। काश किस वक्त वो छोटे बंद भी होते तो अच्छा था, मैं कितने शौक से खाता हूँ। ये लीजिए, हाजिर हैं। जैसे ही मैंने सुना आप आ रहे हैं, फौरन बना लिए थे। छोटे बेबी ने खाना खा लिया? मेरा छोटा बेबी। हाँ, मेरा टाइगर। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Oh, mera beta, chotu, kitne pyare ho tum, itne cute ho tum, mere chote bete ho tum. Oh, I love you, mini jaan. Kya tum please ise thamogi? बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, तुम्हें पता है ना मेरी जान। आओ बैठो मेरे पास, एक रोमांटिक कॉमेडी लगी हुई है, आई नो तुम्हें पसंद आएगी। ओनर ने हमें कल रात की दावत के लिए कहा है, मैं समझती हूँ तुम कल मिलाद में होगे। हाँ मैं तो वहीं होऊंगा, एंड आई थिंक देर तक इवेंट चलेगा। मैं उन्हें फोन करके बता देता हूँ कि हम नहीं आ सकेंगे। ओके, पास आओ, आओ।
मुझे कोई शोर नहीं चाहिए, ओके? अगर बच्चा सोता रहे तब भी 2 घंटे बाद उसे जगा देना, क्योंकि हमें उसकी फीडिंग स्केड्यूल का ख्याल रखना है। आप फिक्र ना करें मैडम, मैं अलार्म लगा दूंगी। नहीं नहीं, तुम्हें सो जाना चाहिए, वैसे भी मुझे कल तुम्हारी जरूरत होगी। तुम अलार्म लगा के उसके पास ही रहोगी ताकि उसे किसी चीज की जरूरत ना हो। फीडिंग और उसके सोने का स्केड्यूल तुम कंट्रोल करोगी, समझ गई तुम? What I'll do tomorrow if I'll not sleep, then who would be helping you? Please tell me. This is not your problem. तुम इसी काम के लिए यहाँ आई हो, all right? Good night. Good morning, Yasmin ma'am. I bring tea for you and I've added sugar too. 2 चम्मच चीनी। तुम ये जानबूझ के कर रही हो या तुम पागल हो? क्योंकि मैंने तुम्हें कल रात बताया था कि मुझे मेरी चाय बिना शुगर के चाहिए, और तुम इस घर में इंग्लिश नहीं बोलोगी। नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल रखूंगी। मैं अपना वेट कम करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हाल ही में डिलीवरी से गुजरी हूँ, मगर तुम 2 चम्मच चीनी डाल के ले आई। माफ कीजिएगा यास्मीन मैडम, मैं दोबारा ले आती हूँ। सॉरी की जरूरत नहीं है, अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। यास्मीन मैम, बट व्हाई? लेकिन क्यों? मैं हर चीज तुम्हें 50 मरतबा नहीं बता सकती। मुझे कोई समझदार इंसान चाहिए और वो यकीनन तुम नहीं हो। लेकिन मुझे इस जॉब की जरूरत है। जाओ यहाँ से। प्लीज मुझे एक मौका और दे। बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूं आपने सुबह से इसे अपने हाथों में ले रखा है। क्या हो गया है मिस्टर नजीब? सिर्फ 10 मिनट तो हुए हैं, आप तो सुबह से अखबार पढ़ रहे थे। हमें अपने बच्चों के लिए कोई तोहफा खरीदना चाहिए, हम खाली हाथ नहीं जा सकते। सही कह रहे हैं आप दादा, और मैं दादी हूं। आप क्या चाहते हैं बताएं? इन्हें गोल्ड दे सकते हैं, ये बेहतर तोहफा होगा। क्या मतलब गोल्ड? हाँ, सोने के दाम बढ़ रहे हैं, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या आप मजाक कर रहे हैं? हाँ मैं सीरियस हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा है मिस्टर नजीब, अलगास फैमिली का वो बच्चा वारिस बनने वाला है कल, और आप समझते हैं कि तोहफा मुनासिब रहेगा? प्लीज जहमत मत करें आप।
मुझे इस पर यकीन नहीं आ रहा है। मुझे नहीं मालूम कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या ये सही होता कि मैं कहता कोई तोहफा लेके नहीं जा रहे? बिल्कुल ये बेहतर होता, कम से कम हम पर कोई हंसता तो नहीं। जब आपने कहा था कि हमें जिंदगी की जरूरत को कम कर देना चाहिए तो मैंने तुम्हारी मुखालफत नहीं की, चुपचाप मान लिया। जब तुमने कहा कि हमें शान शौकत वाली जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए तो मैंने मान लिया, तुम्हारे फैसले का एहतराम किया, बीमारी के बावजूद खिदमत की आपकी। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था जमरत मैडम, ये तमाम मामला एक अरसे से मिसेज इकबाल देख रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्या खरीदना चाहिए, आप खुद मार्केट जाएं और जो आपको मुनासिब लगे आप खरीद लें। पक्की बात? बाद में ये मत कहना कि महंगा था। ठीक है, नहीं कहूंगा। तुम चाहते हो कि मैं जब बाहर जाऊं तो इम्प्लांट का मामला भी देख लूं, क्या मैं कुछ मालूमात कर लूं? ये बात कहां से निकली जमरत मैडम? आप जानती हैं मैं सर्जरी के बिल्कुल ही खिलाफ हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इसके खिलाफ क्यों हो, क्यों इस हवाले से इस कदर सख्त हो? पहले ही बता चुका हूं, मुझे आपकी जाहिरी हालत से ज्यादा आपकी सेहत की फिक्र है। जब मिस्टर उस्मान को कोई एतराज नहीं है तो मैं समझ नहीं सकी कि तुम इस कदर आखिर क्यों इसरार कर रहे हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सर्जरी करवाएं। जैसे कि तुम नहीं जानते जहनी सुकून किस कदर अहम होता है किसी इंसान के लिए, क्या तुम नहीं जानते हो ये बात? जानता हूँ मैं, मैं इस मामले में ज्यादा ही हसासियत दिखा रहा हूँ। क्या इसी वजह से तुम मुखालफत कर रहे हो? मैं अब मजीद आईना नहीं देख सकती हूँ, उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती हूँ और अपनी सेहत को इस तरह बर्बाद होते हुए रोजाना नहीं देख सकती हूँ। अगर आपने सर्जरी करवाई तो याद रख के हवास बिगड़ जाएंगे जमरत मैडम। आखिर क्यों? इस उम्र में भी आप जमरत मैडम बे इंतहा काबिलियत खत्म नजर आती हैं। अगर आपने करवा लिया तो कोई नजर नहीं हटा सकेगा आप पर से, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप ये सर्जरी करवाएं।